हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में नीम फेस पैक की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। मैं इस वीडियो में आपको दो तरह के नीम फेस पैक बना के दिखाऊंगी। पहला फेस पैक जो होगा वो है नॉर्मल स्किन वालों के लिए, और जो दूसरा फेस पैक है वो ऑयली स्किन वालों के लिए है। ये फेस पैक एक्ने, पिंपल, स्कार जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, साथ ही आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इन फेस पैक को बनाना। इसके लिए आप सबसे पहले नीम की पत्तियों को धो लीजिए अच्छे से, और उसके बाद में इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लीजिए और इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। अब जो पेस्ट बनाकर हमने तैयार किया है उसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, और उसके बाद में हम बनाना स्टार्ट करेंगे पहला नीम फेस पैक। इसके लिए सबसे पहले एक अलग बाउल में आप ऐड कीजिए एक छोटा चम्मच नीम पेस्ट, और फिर इसके बाद में इसमें ऐड कीजिए एक चम्मच बेसन, और लास्ट में इसमें ऐड कीजिए एक चम्मच दही, और इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा पहला नीम पेस्ट पैक बनकर तैयार है। मैं एंड में आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से आपको लगाना है। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा फेस पैक बनाना। इसके लिए आप एक अलग बाउल में ले लीजिए एक चम्मच नीम पेस्ट, और फिर इसमें ऐड कीजिए एक चम्मच शहद, और लास्ट में इसमें ऐड कीजिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और इन सबको भी आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये फेस पैक आपके फेस से ऑयल को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स काफी हद तक दूर रहेंगी आपसे। और यहाँ पर हमारा दूसरा फेस पैक भी बनकर तैयार है। अब आपको मैं इसे लगाकर दिखाऊंगी कि आपको कैसे ये अप्लाई करना है अपनी स्किन पर। आप इस फेस पैक को किसी ब्रश या फिर फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फेस और नेक पर कुछ इस तरीके से लगा लीजिए, और लगाने के 15-20 मिनट बाद अपने फेस को आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप एक बार ज़रूर इस फेस पैक को बनाकर देखें, आपको एक ही बार में इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये फेस पैक पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।